मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं जब उन्होंने अपना एग्ज़ाम फिल करना होता है, क्योंकि मोस्टली एक टेंशन होती है माइंड के ऊपर कि यार एक्चुअल में मुझे 6.5 या फिर 7 बैंड स्कोर चाहिए। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो, जो अभी लेटेस्ट रिज़ल्ट आया है ओनली 1 or 2 days पहले, जिन स्टूडेंट का रिज़ल्ट 100% 6.5, 7 or 9 बैंड स्कोर है, 100% आप भी ये रिज़ल्ट ले सकते हो। बट कुछ मिस्टेक्स हम 100% करते हैं ड्यू टू, हम जब भी एग्ज़ाम फिल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसने हमारे साथ स्टडी करी होती है, जहाँ तो उसके साथ या फिर जिस इंस्टीट्यूट में मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ उस वहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड बन जाता है, मैं उसके साथ एग्ज़ाम फिल करता हूँ। दोनों फ्रेंड्स की जो मेंटेलिटी ऑफ लेवल है या थॉट्स हैं वो दोनों की डिफरेंट होती है। एक का इंस्टीट्यूट में बैंड स्कोर बहुत अच्छा आता है, दूसरे का अच्छा बैंड स्कोर नहीं आता, चाहे वो रीडिंग है चाहे वो राइटिंग है, बट वो सेकंड की या फर्स्ट की बात मानकर अपना एग्ज़ाम फिल कर देता है और उसका 16,000 RS वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं करता कि मेरा लेवल क्या है, मेरा IQ लेवल क्या है, मुझे कितना बैंड स्कोर आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग मुझे एग्ज़ाम फिल करना है। सो मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं। बट उसके साथ एक सोल्यूशन भी है, अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्कोर देख सकते हो, 9 बैंड स्कोर इन रीडिंग, 9 बैंड स्कोर इन लिसनिंग। ये वो स्टूडेंट है जो हमारे से हेल्प लेते हैं PDF लाइक लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर आपको भी चाहिए ये 3-4 PDF लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, आप मुझे WhatsApp के ऊपर मैसेज करके पेड मटेरियल बाय कर सकते हो, जिसे हम प्रिडिक्शन भी बोलते हैं। प्लस रीडिंग का सोल्यूशन आपको बताता हूँ, हम अपने स्टूडेंट्स को जो रीडिंग है वो आंसर देखकर करवाते हैं, बिकॉज जब आप आंसर देखकर रीडिंग करते हो तो आपको पता चलता है कि ग्रामर के साथ कैसे मुझे हेल्प मिलती है, सिनोनिम वर्ड की कैसे हेल्प मिलती है, वोकैबुलरी वर्ड को यूज़ कर मुझे कैसे आंसर मिलता है। बिकॉज ऑफ जो रीडिंग है वो 75% डिपेंड करती है हमारी ग्रामर के ऊपर, अगर मेरी ग्रामर बेस्ट है तो रीडिंग मुझे ईजिली लगती है। कोशिश करते हैं हमें वोकैबुलरी वर्ड्स रीड करने की, हमें वर्ड याद नहीं रहेंगे डज नॉट मैटर, बट मुझे डेली नियर अबाउट 20-30 वोकैबुलरी एंड सिनोनिम वर्ड्स रीड करने चाहिए अगर मुझे 9 बैंड स्कोर लेने हैं रीडिंग में। चलो छोड़ो 9 बैंड स्कोर नहीं लेने, 6.5 तो लेने ही है। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे, ये ट्रिक यूज़ करके देखो 100% आपका भी बैंड स्कोर आएगा।